अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आज हम लोग ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं सॉरी शायद आप लोग यूज़ किए होंगे बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशन से रिलेटेड, लेकिन ये थोड़ा अल्ट्रा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर वॉल्ट गैलरी लॉक। तो सिर्फ गैलरी लॉक ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा इसमें चीज़ है। थोड़ा सा आप देख लीजिए लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से जाके, गूगल प्ले स्टोर से जाके उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन आपको वॉल पे मिल जाएगा, आपका मोबाइल वॉल पे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे ओपन कीजिएगा फर्स्ट टाइम तो आपसे बोलेगा क्रिएट पासवर्ड, तो आप किसी तरह से क्रिएट पासवर्ड कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा उसमें कि कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, रिकवरी क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाएगा, तो आप उसमें लिख दीजिए। अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो आपको वो रिकवरी क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। तो फ़िलहाल हम पासवर्ड इसमें डाल चुके हैं, रिकवरी आंसर भी डाल चुके हैं। तो उसके बाद कुछ इस तरह से खुलेगा, अगर आपके सामने इस तरह से दिखेगा, अगर आपका कोई दोस्त है अगर उसको इस तरह से दिखेगा तो वो सिर्फ कैलकुलेटर का तरह ही यूज़ कर पाएगा इसको। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर का तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा फंक्शंस है ये भी जानना, ये आपको भी पता होगा। तो इस मोबाइल में अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और बहुत सारा जो आपको चाहिए फीचर्स वगैरह यूज़ करते हैं और पिक्चर वगैरह या वीडियोस वगैरह को आप इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, तो बाद में अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दें तो डायरेक्टली अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी हाइड हुआ हुआ आपका पिक्चर रहेगा वो परमानेंटली आउट हो जाएगा आपके मोबाइल से, परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, जितना भी पिक्चर रहेगा वो एक फोल्डर में जाके हाइड हो जाता है, वहाँ से पहले आप एक्सपोर्ट कर लीजिए अपने गैलरी में, तभी ऐसा कीजिए। अगर किसी वजह से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट पिन यहाँ पर मिलता है 1122 3344, तो इससे आप अनलॉक जैसे कीजिएगा आपसे पूछेगा वही क्वेश्चन का आंसर, रिकवरी क्वेश्चन आंसर, तो उसको आप डाल दीजिएगा तो आपका फिर से ये इस तरह से वर्क करने स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल हम अपना पासवर्ड देके इंटर करते हैं, तो हम यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, तो जैसे ही हम लोग पासवर्ड देते हैं ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है। अब आप बोलिए, अब पहला काम है आपका यहाँ पर सेटिंग्स में जाके अनलॉक पिन फिंगरप्रिंट से, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटली अनइंस्टॉल ऑफ दिस एप्स, ठीक है, और नीचे आइए रिकवरी पासवर्ड रिकवरी ईमेल अगर चाहते हैं तो कर लिए। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको अनलॉक, आप कोई पिक्चर को यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं जो आपका गैलरी में ना दिखे, तो आप जाइए यहाँ ऐड का साइन में जाइए और अपना गैलरी में जाइए। तो फिलहाल आपका फ़ोटो एल्बम में जाइए, यहाँ पे देखिए कौन सा पिक्चर को आप हाइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया यहाँ पे व्हाट्सएप का ये वाला जो चीज़ है ये सब ऐड आएगा, तो आप इसको अनलॉक कीजिए। व्हाट्सएप का कुछ पिक्चर को आप हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब हम हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हाइड करना चाह रहे हैं। तो इसको एक क्लिक करने के बाद अब करना क्या है, यहाँ पर ऊपर में देखिए लॉक का साइन है, ये हाइड हो गया आपका पिक्चर गैलरी से, ठीक है, ये हाइड हो गया। सीक्रेट वॉल्ट जो है आपको वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब
अब देखिए पिक्चर तो आपका हाइड हो गया, अब यहाँ से आप जाके अपना गैलरी में चेक कर लीजिए, ठीक है, कि ये जितना भी पिक्चर है, जैसे ये सब पिक्चर हम हाइड किए हैं, ये सब पिक्चर हम हाइड किए हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो हमारा ये गैलरी में था, हम देखते हैं कि गैलरी में हमारा ये पिक्चर है या सच में हाइड हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, निकलने के बाद हम लोग अपना गैलरी में चलते हैं, गैलरी में जाने के बाद यहाँ देखते हैं कि हमारा पिक्चर हाइड हुआ या नहीं। तो यहाँ जाने के बाद देखिए नीचे की तरफ, हाँ हाइड हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं जाके फोल्डर में है, ठीक है। तो अब मान लिया किसी वजह से आप इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो आपका जो हाइड किया हुआ रहेगा वहीं से वहीं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आप पहले उसको देख लीजिए कि वो कहाँ है, उसको अनहाइड अगर करना है तो। अब चलिए आप तो गैलरी में देख चुके हैं कि वो नहीं है, ठीक है, गैलरी में व्हाट्सएप वाला फोल्डर में ही था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वो वाला पिक्चर नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको अनहाइड करें। तो ऐसा सिचुएशन में आप फिर से आप जाइए, ठीक है, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कीजिए और इक्वल टू का साइन दीजिए, अब पिक्चर में जैसे जाइएगा आपका पूरा हाइड किया हुआ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके अब जिसको इसको अनहाइड करना है, अगर मान लीजिए इस अवस्था में आप अनइंस्टॉल कर देते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो ये सब चले जाएगा उस एप्लीकेशन के साथ। तो इंस्टॉल करने से पहले आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अनहाइड का, आपसे पूछेगा एक्सटर्नल में रखना है ना इंटरनल में रखना है, आप मेमोरी में रखना चाहते हैं ना इसमें रखना चाहते हैं, तो हम एक्सटर्नल में रख देते हैं। तो एक अन तो ये तो अनहाइड हो गया। अब देखिए इसके अलावा भी और बहुत सारा इसमें फीचर्स है, तो यहाँ सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद अब देखिए अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन में आप अगर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट प्रोटेक्शन, अदर यूज़र और चिल्ड्रंस ऑन दिस फोन विल नॉट बी एबल टू एक्सीडेंटली अनइंस्टॉल दिस कैलकुलेटर व्हेन स्विच इज ऑन। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मैंने आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल ना कर पाए, वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस ऐप्स व्हेन देन यू शुड स्विच ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑन। तो हम फिलहाल इसको ऑन कर देंगे, तो हमारा कोई भी दोस्त यार अगर चाहेगा तो इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। सेटिंग्स में चलने के बाद इसमें से दो जो है ऑप्शन बहुत मस्त है, फेस डाउन लॉक, इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वीडियोज पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, अचानक कोई हमारा फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त यार अचानक आ जाता है, हमारे मोबाइल में पिपिंग करने लगता है, तो पिपिंग करने लगता है तो हम इसको क्या करेंगे, मान लिया कोई पिक्चर देखते हैं और उसको पिपिंग कोई करता है तो हम इसको फटाक करके मोबाइल को फेस डाउन कर देते हैं जैसे ही, तो वो कुछ मैंने बंद हो जाता है, जैसे हम फेस डाउन भी किए तो देखिए बंद हो गया, ठीक है ना, मैंने मोबाइल को आपको उलट देना है, तो उलटने ही से वो वाला ऐप्स चले जाएगा। फिर से हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखिए फिर से हमको लॉगिन करना पड़ रहा है। अच्छा, और एक तो दूसरा ऑप्शन उसी के नीचे में था, इसको हम ऑन कर चुके थे, दूसरा फेस डाउन एक्शन। अब मान लिया कुछ ना कुछ तो हम देख रहे थे, ठीक है, तो मान लिया अगर हम कोई चीज़ ऐसा देख रहे हैं जो किसी और को ना दिखा पाएँ, कुछ सीक्रेट चीज़ देख रहे हैं या कोई सीक्रेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अचानक कोई देखता है तो हम फिर से मोबाइल को फेस डाउन कर देंगे, तो उस टाइम अगला बंदा ये पूछेगा क्या देख रहा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो उस टाइम आप दिखा सकते हैं कि भाई हम ये वेबसाइट देख रहे थे या कुछ भी। तो यहाँ पर ही ओपन वेबसाइट, फिर से एक कैलकुलेटर वाला ही हम लोग ऑप्शन को क्लिक करके खोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही कोई अगर देखने आता है तो हम इसको कर देते हैं कैलकुलेटर वाले ही ऑप्शन को, ठीक है,
ये वाला आके यहाँ से हम लोग चूज़ कर देते हैं कैलकुलेटर। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, कोई आता है तो हम इसको प्रेस डाउन कर देते हैं, देखिए तुरंत ये कैलकुलेटर खुल जाता है, हमारा सेटिंग्स को वो नहीं देख पाएगा। और इसमें और एक फीचर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो देख लीजिए फटाफट मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। यहाँ पर नीचे में जाने के बाद आप ऐप लॉक सेटिंग में क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर में फेस कवर है, फेक कवर है, इसको ऊपर आप अगर कर देते हैं फोर्स क्लोज में टैप करते हैं, तो कभी भी अगर कोई ये करता है सही एप्लीकेशन मैंने पासवर्ड देने के बाद भी, यहाँ पर बताएगा अनफॉर्चुनेटली ऐप्स लॉक हैज स्टॉप्ड, इस तरह से बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए स्वाइप कर देते हैं और यहाँ से पीछे आते हैं इंट्रूडर सेल्फी। इंट्रूडर सेल्फी का मतलब ये हुआ कि मान लिया अगर इसको आप इंस्टॉल करते हैं मैंने ऑन कर देते हैं, इंस्टॉल करने के बाद अब आप ऐप्स लगा हुआ है, अगर कोई बंदा गलत तरीके से आपका खोलने का चाहेगा, अगर एक भी गलत पासवर्ड वगैरह देता है या पैटर्न लॉक को पासवर्ड वगैरह देता है, तो उसका फ़ोटो खींच के आपके गैलरी में डाल देगा, आपको पता चल जाएगा कौन आपका मोबाइल को छुआ था और आपको लॉक खोलने की कोशिश किया था, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो। और नीचे में देखिए प्रिवेंट अनइंस्टॉल, मतलब इसको अगर ऑन करते हैं हम तो हमारा जितना भी एप्लीकेशन है वो सब अनइंस्टॉल, कोई ऐप्स को मेरा इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, चाहे जितने भी कोशिश कर ली हो, सेटिंग्स में जाकर कॉन्फ़िगर कर देता है और किसी भी तरह का एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का परमिशन नहीं दे सकता है अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा भी और दो तीन आप ट्राई कीजिएगा, दो तीन है आप ट्राई कीजिएगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और फटाफट लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।